बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस जो है जनरली एक्यूटली प्रेजेंट करता है, इसलिए एक्यूट बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस के नाम से क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सिटी AKU में पूछा जा चुका है। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस मैनेजमेंट पूछा जा चुका है, लेकिन थोड़ा सा एटियोलॉजी वगैरह देखेंगे, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह भी देखेंगे। तो एटियोलॉजी, ये सबसे पहले बात है, ये एक्यूट बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस द मेजर कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन यंग चिल्ड्रेन, ठीक है। और ये ज़्यादातर न्यूनेट्स में होता है और इन्फेंट्स में होता है, ओल्डर चिल्ड्रन से ज़्यादा कॉमन होता है न्यूनेट्स वगैरह में, इन्फेंट्स वगैरह में, ठीक है ना। तो अब एटियोलॉजी में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं उसको देख लेना है बस, ज़्यादा इसके मोस्ट कॉमन कॉज देखने का ज़रूरत नहीं है। क्लेब्सिएला हो गया एटियोलॉजी में, ई कोलाई हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ओवरऑल मोस्ट कॉमन होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, नेजेरिया मेनिनजाइटिस है, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर होस्ट का जो है इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव रहेगा तो उसमें भी जो है पेशेंट का जो डिमिनिश्ड अगर होस्ट रेजिस्टेंस रहेगा ना, तो लाइक कम्प्लीमेंट सिस्टम, इम्यूनोग्लोबुलिन, न्यूट्रोफिल फंक्शन डिफेक्ट्स रहेगा, या मेलिग्नेंसी रहेगा, या इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स में रहेगा, तो भी मेनिनजाइटिस होने का चांसेस है ज़्यादा। फंजाई से भी हो सकता है, लिस्टेरिया से भी हो सकता है, माइकोप्लाज्मा से भी हो सकता है। तो यही बोला कि ये डी जो ये कुछ भी हो, मेनिंजोकोकाई नेजेरिया मेनिनजाइटिस से ये हो सकता है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस से हो सकता है, अगर स्प्लेनिक डिसफंक्शन रहेगा तो क्रोनिक ह्यूमिलिटी के एनीमिया लाइक स्प्लीनिया में, तो इसका रिस्क रहता है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से ये मेनिनजाइटिस हो जाए, मेनिंजोकोकस मेनिनजाइटिस, नेजेरिया मेनिनजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। और नेक्स्ट है, क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट्स करता है पेशेंट जो है, जो मतलब मेनिनजाइटिस का पेशेंट है वो कैसे प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मेनिनजाइटिस का पेशेंट जो है ना, उसको फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा, जनरलाइज्ड सीजर्स लाइक GTCH प्रेजेंट करेगा, इरिटेबिलिटी होगा, हेडेक होगा, फोटोफोबिया होगा, साइंस ऑफ रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है बढ़ने का साइंस क्या क्या है, तो एंटीरियर फ्रंटल बल्ज कर जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा जो है लेस देन वन ईयर है, इन्फेंट है, और फीवर और बल्जिंग इंटीरियर फ्रंटल के साथ प्रेजेंट करता है, तो इसको जो है मेनिनजाइटिस सस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है कि अगर मेनिंजियल इरिटेशन साइंस दिखेगा, मेनिंजियल इरिटेशन साइंस तो जनरली 2 साल से कम के बच्चे को बहुत ही अनकॉमन होता है, मेनिंजियल इरिटेशन नहीं दिखता। और मेनिंजियल इरिटेशन में जनरली होता क्या है कि नेक स्टिफनेस, नेक रिजिडिटी मिलेगा, ये पैथोलॉजी में क्वेश्चन पूछा था हम लोग AKU में सेकेंड ईयर में। और बेबी ब्रुडिंस्की साइन होता है पॉजिटिव, ब्रुडिंस्की साइन होता क्या है कि जैसे पैसिवली हम नेक को फ्लैक्स करते हैं, बच्चे का बेबी का नेक को ऐसे फ्लैक्स करते हैं, तो रिफ्लैक्स में क्या आता है कि ये हिप और नी जो है, दोनों जॉइंट पे हिप और नी जॉइंट पे ये फ्लैक्सन होता है, ठीक है ना, दिखता है हमको ऑटोमेटिकली। और कार्निक साइंस में क्या दिखता है कि जैसे कि हम दोनों को फ्लैक्स कर दिया, हिप जॉइंट पे भी फ्लैक्स किया, नी जॉइंट पे भी फ्लैक्स किया, अब हम क्या कर रहे हैं, हिप जॉइंट पे भी फ्लैक्स किया और नी जॉइंट पे भी फ्लैक्स किया जैसे कि इसमें दिखा रहा है, और इसको पैसिव एक्सटेंशन कर रहे हैं। पैसिव एक्सटेंशन का मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा के एक्सटेंशन करवा रहे हैं हम, तो इसको जो है रेजिस्टेंस फील होगा बिकॉज ऑफ पेन, रेजिस्टेंस फील करवाएगा बच्चा और पेन होगा, ठीक है। यही साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन है। और इन्वेस्टिगेशंस और इसमें सस्पेक्टेड चाइल्ड में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशंस में गोल्ड स्टैंडर्ड है CSF एनालिसिस बाय लंबर पंक्चर, बट और अगर वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट होगा तो शंट टैपिंग करेंगे। अगर एक लंबर पंक्चर का कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है रेज्ड इंट्राक्रैनियल पेशेंट में, अदरवाइज हर्निएट कर जाएगा ब्रेन और डेथ हो सकता है। तो अगर इस केस में अगर जैसे लंबर पंक्चर नहीं कर सकते तो CCT कॉन्ट्रास्ट इन्हांस CT करेंगे मेनिंजियल इन्हांसमेंट देखने के लिए। अब CSF एनालिसिस करेंगे, निकालेंगे CSF, तो CSF में क्या दिखेगा, तो प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, मोर देन 28 सेंटीमीटर ऑफ वाटर दिखेगा,
टर्बिड जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है मोर देन 28 सेंटीमीटर होगा, बढ़ा हुआ रहेगा। टर्बिड CSF होगा, जनरली क्लियर होता है, और सेल्स जो है 1000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर MMQ से ज़्यादा होगा, अप टू 100,000 मिलीमीटर क्यूब 1000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होगा, और मोस्टली न्यूट्रोफिल्स होगा, और प्रोटीन्स भी ज़्यादा होगा, अप टू 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जनरली 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, नॉर्मल 20-45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और नेक्स्ट है शुगर जो है कम होगा, नियरली 50% ऑफ ब्लड, लेस देन 50% ऑफ ब्लड शुगर होगा, मतलब लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसको हाइपोग्लाइकोरिया भी बोला जाता है। और नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस क्या किए, एक नंबर तो CSF एनालिसिस किए, दूसरा नंबर अगर CSF नहीं कर पाते, लंबर पंक्चर नहीं कर पाते तो CECT करते हैं, तीसरा CSF कल्चर करेंगे, CSF कल्चर के लिए भेजेंगे ट्रांसपोर्ट मीडियम पे, ताकि बैक्टीरिया आइसोलेट कर सके, और उसके बाद से ट्रीटमेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाए बैक्टीरिया आइसोलेट करने के बाद। PCR CSF टेस्ट भी करा जा सकता है बैक्टीरिया एंटीजन के लिए, जो कि सेंसिटिव है, हाईली रिकमेंडेड भी होता है PCR CSF टेस्ट करते हैं। और नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है सीजर हो सकता है, सीजर तो एक फीचर भी है मेनिंजाइटिस का, और कॉम्प्लिकेशंस भी होता है, सबड्यूरल इफ्यूजन है, अब सबड्यूरल इफ्यूजन होने के बाद इन्फेक्शन होगा तो एम्पाइमा भी हो जाएगा सबड्यूरल में, हाइड्रोसिफेलस भी हो सकता है, इंक्रीज इंटरेस्ट अगर ब्लॉकेज हो जाएगा CSF का, नहीं पास कर पाएगा CSF तो हाइड्रोसिफेलस हो जाएगा, ब्रेन एब्सेस हो सकता है इम्यूनो डेफिशिएंट चिल्ड्रन में, SNHL सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है, स्पेशली जिसको इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब ट्रीटमेंट को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, तो ट्रीटमेंट के लिए हम अच्छे से नोट्स बनाएंगे, इसमें से देखेंगे न्यू ट्रीटमेंट्स में एम्पिरिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से स्टार्ट करना है। एम्पिरिकल ट्रीटमेंट में थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन से स्टार्ट करना है, तो थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में हमारा आ जाता है कि सेफ्ट्राइएक्सोन और सेफोटेक्सिम, जो कि अब जितना भी एंटीबायोटिक देते हैं सब IV में देते हैं, अगर 48 आवर 72 आवर्स तक ये ट्रीटमेंट चलाया, अगर नहीं रिस्पॉन्स आया तो वैंकोमाइसिन ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो भी ट्रीटमेंट होता है इस, और दूसरा इसमें जो है इफ़ फीवर और मेंजल साइंस परसिस्ट आफ्टर 48 आवर तो लंबर पंक्चर करेंगे, और चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक उसके बाद देंगे, ठीक है। और इसमें जो है ड्यूरेशन ऑफ जनरली ट्रीटमेंट कितना होता है, तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे, जनरली 10 डेज होता है, लेकिन अगर न्यूनेट्स है जिसको स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन होगा तो वो उसको 3 वीक्स तक इन्फेक्शंस 3 वीक्स तक ट्रीटमेंट चलता है एंटीबायोटिक का। अब स्पेसिफिक तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट तो हो गया, बस कल्चर करने के बाद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो मेनिंगोकोकल और निमोकोकल मेनिंजाइटिस होगा तो पेनिसिलिन देंगे, और पेनिसिलिन का ये डोजेज वगैरह इतना तो याद नहीं कर सकता, सेफोटेक्सिम एच इन्फ्लुएंजा होगा तो सेफोटेक्सिम थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन और एम्पिसिलिन और क्लोरामफेनिकोल का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, और स्टेफाइलोकोकल मेनिंजाइटिस होगा तो वैंकोमाइसिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, अगर MRSA हो तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस सस्पेक्टेड होगा तो वैंकोमाइसिन देंगे। नेक्स्ट रिफैम्पिसिन एडिशन टू रेजिम, अगर रिफैम्पिसिन ऐड कर देंगे जैसे हम स्टेफाइलोकोकस के केस में पढ़ रहे हैं, तो स्टेफाइलोकोकस मेनिंजाइटिस के केस में अगर रिफैम्पिसिन ऐड करते हैं तो CSF पेनिट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से एफिकेसी बढ़ जाएगा ट्रीटमेंट का। एम्पिसिलिन दिया जा सकता है लिस्टेरिया के केस में, एमिनोग्लाइकोसाइड लाइक जेंटामिसिन एमिकासिन नेटिलमिसिन वगैरह दिया जा सकता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक ईकोलाई और ईकोलाई क्लेबसिला ये न्यूनेट्स में ज़्यादा कॉमन होता है, जो कि सेफोटेक्सिम सेफ्टाजिडीन और सेफोट्राइक्सोन दिया जा सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पिसिलिन और एमिनोग्लाइकोसाइड भी दिया जा सकता है। सीडोमोनास के लिए क्या दोगे, तो एनारोबिक है तो सेफ्टाजिडीन और एमिनोग्लाइकोसाइड का कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है, अगर अगर ये दोनों फेल करेगा सेफ्टाजिडीन और एमिनोग्लाइकोसाइड
तो मेरोपेनम और सेफेपाइम देंगे। फ्लोरेशन ट्रीटमेंट कितना होगा? तो 10 to 14 days होता है यूजुअली, लेकिन अगर स्टेफाइलोकोकल मेनिंजाइटिस होगा और ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन होगा तो ट्रीटमेंट 3 वीक्स के लिए देंगे, जो कि नियोनेट्स में कॉमनली होता है ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन। नेक्स्ट स्टेरॉयड थेरेपी देते हैं, तो स्टेरॉयड थेरेपी में हम कितना देंगे कि डेक्सामेथासोन 0.15 mg/kg, और स्टेरॉयड थेरेपी ताकि इसलिए देते हैं ना कि ताकि जो है सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस ना हो बच्चे में। सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए जो भी इम्यून रिएक्शंस होता है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए स्टेरॉयड दिया जाता है। तो डेक्सामेथासोन का डोज है 0.15 mg/kg/dose। IV दिया जाता है हर 6 आवरली, 2 to 4 days, यानी मेनली 2 days दिया जाता है। और ये जनरली स्टेरॉयड को स्टार्ट किया जाता है फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए, और ये जो है ये सब चीज़ें छोड़ भी दे सकते हैं, हेल्पफुल होता है हेमोफिलस मेनिंजाइटिस में। डेक्सामेथासोन का नियोनेटल मेनिंजाइटिस में ज़्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। और सिम्टोमेटिक थेरेपी करेंगे, अगर सिम्टोमेटिक थेरेपी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ICT पर रहेगा इंट्रा टेंशन, तो उसके केस में ऑस्मोटिक डायूरेसिस देंगे, मैनिटोल 0.5 g/kg, 20% सॉल्यूशन देंगे, IV देंगे 4 to 6 आवरली देंगे फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 doses, ठीक है। मैक्सिमम 6 doses तक दिया जा सकता है मैनिटोल। कन्वर्जेंस के लिए डायजीपाम देंगे 0.3 mg/kg IV, उसके बाद फॉलोड बाई फेनिटोइन देंगे 15 to 20 mg/kg इनिशियल ट्रीटमेंट, और उसके बाद फेनिटोइन को कंटिन्यू रखेंगे 5 to 10 mg/kg/day के साथ पर ओरल IV। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स स्टॉप कर देंगे 3 महीने के बाद, ठीक है। फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट हेमोस्टेसिस करेंगे, ठीक है। हाइपोटोनिक, एक चीज़ ध्यान रखना है कि हाइपोटोनिक फ्लूड नहीं देना है, इसको नहीं देना। हाइपोटेंशन अगर होगा बच्चे को तो IV फ्लूड्स देंगे, जो कि नॉर्मल हाइपोटोनिक फ्लूड नहीं देना है। वैसो प्रेशर्स डोपामिन और डोबुटामिन दिया जा सकता है। नर्सिंग केयर जो है ज़रूरी है, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन जो है ज़रूरी है। यूरिन अगर रिटेंशन हो जाएगा तो सुप्राक्यूबिक प्रेशर हॉट वाटर बोतल देंगे। बेड शोर को प्रिवेंट किया जा सकता है, रिपीटेड पोस्चर चेंज करेंगे, अप्लाई करेंगे मेथाइलेटेड स्प्रिट करेंगे। सॉफ्ट फोम रबर का मैट्रेस होना चाहिए ताकि बच्चे को एयर कुशन यूज़ किया जा सके। इतने सारी चीज़ें, और पैथोजेनेसिस जो है किस तरीके से होता है, तो जनरली पैथोजेनेसिस में जो है ना इन्फेक्शन जो है स्प्रेड करता है हिमाटोजिनस टू मेनिंजिस फ्रॉम द डिस्टेंट फोकल। जैसे निमोनिया वगैरह हुआ तो उस वहाँ से इन्फेक्शन जो है फैलता है, इम्पाइमा पायोडर्मा इन्फेक्शन, अगर बोन का इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ से जो है इन्फेक्शन जो है जाता है ब्रेन में, ना कि सीधा ब्रेन में पहुँच जाता है। और CSF लीक, अगर रिकरेंट मेनिंजाइटिस जो है एसोसिएटेड होता है पाइलोनाइडल साइनस में, CSF राइनोरिया या ट्रॉमेटिक लीजन्स ऑफ क्रिबरिफॉर्म प्लेट, इथमोइडल साइनस और कंजेनाइटल फिस्टूला, और इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में होता है। इतना लिखना बहुत है।